टॉपिक नंबर 4 है क्लास 9 का। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था, कब किया था और टू किंगडम क्लासिफिकेशन में किस चीज़ की क्लासिफिकेशन की गई थी। द फर्स्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज बाय अ स्विस साइंटिस्ट कारोलस लिनियस इन 1753। टू किंगडम क्लासिफिकेशन ये पहला सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन था। किसने किया था? कारोलस लिनियस ने किया था। कब किया था? 1753 में। तो ये सारे बातें कभी कभी एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि फर्स्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन कौन सा था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? कारोलस लिनियस ने किया था। कब किया था? 1753 में किया था। He arranged all the existing living things in two kingdoms. Carolus Linnaeus ने तमाम living organisms को, तमाम living things को two kingdoms में रखा गया। Such that constata kingdom plantia which included all green plants, algae, fungi, bacteria and kingdom animalia which included all unicellular as well as multicellular animals. Kingdom plantia और kingdom animalia ये दो kingdoms उसने बनाए। kingdom plantia में उसने रखा तमाम green plants जो है, algae है, fungi है, bacteria है, ये सब जो है इनको kingdom plantia में रखा गया और kingdom animalia में तमाम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एनिमल्स को रखा गया। तो एमसीक्यूज में आ सकता है कि किंगडम प्लांटिया में क्या क्या आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं, आल्जी आते हैं, फंजाई आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, ऑल ऑफ दीज, राइट। तो लिमिटेशंस ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये क्यों रिजेक्ट किया गया, इसकी लिमिटेशंस क्या है, ये पढ़ेंगे। A few of the limitations of two kingdom systems are as follow. कुछ limitations जो है वो ये हैं। Number first, Euglena and kingdom plantia. Euglena have plant-like characteristics as well as animal-like characteristics. Euglena जो है kingdom, two kingdom system of classification में Euglena को kingdom plantia में रखा गया, ठीक है ना। अब यूग्लिना जो है इसके एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और इसके प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि यूग्लिना जो है इसमें क्लोरोफिल होता है। एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये इनगल्फ करता है फूड को एंड डार्कनेस एंड लैक सिल्वाल, इसमें सिल्वाल भी नहीं होता। सच ऑर्गेनिजम्स शुड बी क्लासिफाइड इन अ सेपरेट किंगडम। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एक सेपरेट किंगडम में रखते हैं, लेकिन कारोलस लिनियस ने इसको किंगडम प्लांटिया में रखा गया, क्यों? ये एक लिमिटेशन था। दूसरा था, दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये जो हमारे पास टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान डिफरेंस नहीं क्लियर पाया कि प्रोकैरियोट्स क्या है, यूकैरियोट्स क्या है, इसके दरमियान डिफरेंस नहीं किया, इस वजह से ये लिमिटेशन है। थर्ड वन है, न्यू डिस्कवरीज आल्सो प्रूव दैट फंजाई आर वेरी डिफरेंट फ्राम प्लांट्स सो शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटिया। कारोलस लिनियस का एक बड़ा मिस्टेक ये था कि फंजाई जो है उसने किंगडम प्लांटिया में रखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज के बाद फंजाई जो है ये एक डिफरेंट होते हैं प्लांट से, तो इसको किंगडम प्लांटिया में नहीं रखना चाहिए था। तो ये एक लिमिटेशन था, ठीक है ना। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ वल फंजाई आर हेटेरोट्रॉफ्स। इसको किंगडम प्लांटिया में रखा गया। अब अगर हम फंजाई को प्लांट्स के साथ कंपेयर करें तो प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स है जबकि फंजाई हेटेरोट्रॉफ्स है। दे गेट दियर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। ये भी याद रखना कि फंजाई जो है ये अपना फूड एब्जॉर्प्शन के ज़रिए लेती है, एमसीक्यूज में आ सकता है। Plants have cellulose made of cellulose while the cellulose of fungi are made of chitin. अगर हम देखें तो प्लांट का सेलवाल सेलुलोज से बना होता है, लेकिन फंजाई का सेलवाल काइटिन से बना होता है। On the basis of these limitation, five kingdom system of classification was proposed. तो इन limitation के बिना पे five kingdom system of classification बनाया गया। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, किसने पेश किया था, कब पेश किया था, ये पढ़ेंगे। Ernest Haeckel proposed a new kingdom organisms and to five kingdoms Monera, Protista, Fungi, Plantia and Animalia.
एर्नेस्ट हैगल एक बायोलॉजिस्ट था जिसने एक न्यू किंगडम बनाया जो इसमें 5 किंगडम्स थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमेलिया। अब प्रोटेस्टा टू इंक्लूड युगलिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्रोटेस्टा में युगलिना लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन 1969 रॉबर्ट वाइटेकर क्लासीफाइड ऑल द 5 किंगडम सिस्टम, रिमूव द प्रॉब्लम प्रीवेल्ड इन द 2 किंगडम सिस्टम। अब 1969 में रॉबर्ट वाइटेकर आया, उसने तमाम 5 किंगडम सिस्टम्स को सेपरेट सेपरेट डिफाइन किया, ठीक है ना, और जो 2 किंगडम सिस्टम में जो प्रॉब्लम जाहिर हुई थी उससे बचाया। In 1988, two scientists, Margolis and Schwartz. In 1988, two scientists, Margolis and Schwartz, further modified the Whittaker system on the basis of cellular structure, mode of nutrition, and method of reproduction. फिर 1988 में दो साइंटिस्ट आए जिसका नाम था Margolis and Schwartz। उसने further Whittaker system जो था, 5 किंगडम system जो था, उसको modified किया, उसमें थोड़े से changes लाए, किस बेस पे, cellular structure के बेस में, mode of nutrition की बेस में, and method of reproduction की बेस में। अकॉर्डिंग टू दियर स्कीम किंगडम मोनेरा वॉज गिवन द नेम प्रोकैरियोट्स। तो उसके स्कीम के मुताबिक किंगडम मोनेरा को उसने नाम दिया किंगडम प्रोकैरियोट्स। अकॉर्डिंग टू दियर स्कीम किंगडम मोनेरा वॉज गिवन द नेम किंगडम प्रोकैरियोटा। दे आल्सो एक्सपेंडेड द किंगडम प्रोटेस्टा बाय इंक्लूडिंग ऑल यूनिसेलुलर एंड सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड सम नॉन ट्रू फंजाई एंड एट। ठीक है ना, इसने किंगडम मोनेरा को किंगडम प्रोकैरियोट्स का नाम दिया। इसके साथ साथ इसने किंगडम प्रोटेस्टा को इंक्लूड किया कि इसमें तमाम यूनिसेलुलर और जो सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है ना, और जो नॉन ट्रू फंजाई होते हैं वो भी किंगडम प्रोटेस्टा में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस, जिसमें हमारे पास है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमेलिया। फर्स्ट वन है किंगडम मोनेरा। फर्स्ट पॉइंट है, दिस किंगडम इंक्लूड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आल्सो नोन एज प्रोकैरियोट्स। किंगडम मोनेरा जो है इसमें तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इस वजह से इसको किंगडम प्रोकैरियोटा भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, दे आर यूनिसेलुलर आर कलोनियल। किंगडम मोनेरा में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होंगे और इसके साथ साथ वो कलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं। थर्ड पॉइंट, दीज ऑर्गेनिजम्स लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होते, जिस तरह न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, विक्यूल्स है, एक्सेट्रा। इसी तरह इस ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं, राइट, और इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होती है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। नंबर फोर, दियर सेलवाल डज नॉट कंटेन सेलुलोज। इसके सेलवाल जो होते हैं वो सेलुलोज से नहीं बने होते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ म्यूरिन, वो म्यूरिन से बने होते हैं, अ मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमाइनो एसिड्स। म्यूरिन जो है ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक कंपाउंड है जो पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड से बना होता है, राइट। तो जो किंगडम मोनेरा है उसका सेलवाल म्यूरिन से बना होता है, इसको किस तरह याद रखना है, मोनेरा में भी फर्स्ट लेटर एम आता है, म्यूरिन में भी फर्स्ट लेटर एम आता है, तो मोनेरा का सेलवाल जो है, किंगडम मोनेरा का सेलवाल जो है वो म्यूरिन से बना होता है। नंबर फाइव, दे आर हेटेरोट्रॉफिक बट सम प्रोड्यूस देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कीमोसिंथेसिस। इसकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना फूड तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स कीमोसिंथेसिस के ज़रिए अपना फूड तैयार करते हैं, राइट। एग्जांपल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्जी। एग्जाम्पल्स जो है वो बैक्टीरिया है एंड ब्लू ग्रीन एल्जी, विच इज़ आल्सो कॉल्ड साइनो बैक्टीरिया। तो ये हमारे पास शेप्स हैं, ठीक है ना, शोविंग एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम मोनेरा, बैक्टीरियल सेल कलोनी ऑफ नस्टॉक एंड फिलामेंट ऑफ नस्टॉक। नंबर टू है किंगडम प्रोटेस्टा। फर्स्ट पॉइंट, किंगडम इंक्लूड्स द यूकैरियोट्स विच आर यूनिसेलुलर कलोनियल। इस किंगडम प्रोटेस्टा में जो एनिमल्स होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं,
और इसके साथ साथ यूनिसेलुलर होते हैं या फिर वो कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं लाइक एंडम मोनेरा। सेकेंड पॉइंट, सम प्रोटेस्ट्स कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक दियर ओन फूड वाइल अदर लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर दियर ओन फूड। कुछ प्रोटेस्ट जो है उसमें क्लोरोफिल होते हैं तो इस वजह से वो अपना फूड तैयार कर सकते हैं, और कुछ प्रोटेस्ट जो है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता इस वजह से वो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, डिपेंडेंट होते हैं ऑन द आउटर सोर्सेज। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेस्ट आर प्लाज्मोडियम, यूक्लिना, पैरामीशियम, क्लाइमेडोमिनास। तो ये जो एग्जाम्पल्स है, ये जो सारे पॉइंट्स है, ये एमसीक्यूज में आते हैं, सो यू मस्ट रिमेंबर दीज ऑल पॉइंट्स। ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स हैं, अमेबा है, डायटम्स है, डाइनोफ्लेजेलेट है, स्लाइम मोल्ड, यूक्लिना, स्पायरोगायरा, क्लाइमेडोमिनास, पैरामीशियम, दीज आर ऑल प्रोटेस्ट्स। थर्ड हमारे पास है किंगडम फंजाई। नंबर फर्स्ट पॉइंट, दे आर यूनिसेलुलर आर मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स, दे ले क्लोरोफिल एंड आर हिटेरोट्रॉफिक। फर्स्ट पॉइंट ये है कि किंगडम फंजाई जितनी भी हमारे पास होते हैं वो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, एंड दैट्स वाई दे आर हिटेरोट्रॉफिक। नंबर टू, दे लाइफ एज सेप्रोफाइट्स, ठीक है ना, ये रहते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट्स का मतलब है ड्राइविंग फ्रूट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर आर पैरासाइट्स। सेप्रोफाइट्स का मतलब है कि ये अपना फूड जो है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं, या फिर ये पैरासाइट्स होते हैं, यानी डिराइविंग फूड फ्रॉम द लिविंग सेल्स ऑफ द होस्ट, होस्ट के लिविंग सेल्स से फूड को डिराइव करते हैं। थर्ड पॉइंट है, फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स अ यूनिक वे बाय एब्जॉर्प्शन। थर्ड पॉइंट ये है कि ये अपना न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्प्शन के ज़रिए हासिल करते हैं। फोर्थ पॉइंट, दियर सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, मशरूम, रॉस्ट एंड स्मट एक्सेट्रा। तो फंजाई का सेल वॉल जो है वो काइटिन से बना होता है, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, किंगडम मोनेरा का सेल वॉल म्यूरिन से बना होता है, और किंगडम फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना होता है, राइट। ये है एग्जांपल्स ऑफ फंजाई, राइजोपियस जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, मार्चेला, मशरूम, अमेनिटा, रस्ट स्पोर एंड स्मट स्पोर्स। फोर्थ हमारे पास है किंगडम प्लांटिया। नंबर फर्स्ट पॉइंट, दिस किंगडम इंक्लूड प्लांट्स, इसमें सारे के सारे प्लांट्स होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ये सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है प्लांट्स। नंबर थर्ड, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रिपेयर दियर ओन फूड, इसमें क्लोरोफिल होता है इस वजह से ये अपना फूड खुद तैयार करते हैं दूसरों पे एंड डिपेंडेंट होते हैं। नंबर फोर, दे हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, कॉमन एग्जांपल्स आर मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है जो हमने पहले बताया, और इसके एग्जांपल्स हमारे पास ये हैं, राइट। तो ये हमारे पास हो गए फोर किंगडम। लास्ट वन हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया। फर्स्ट पॉइंट, किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच लैक सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। किंगडम एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें कोई सेल वॉल और कोई क्लोरोफिल नहीं होते, दैट्स वाई दे कैन नॉट प्रिपेयर दियर ओन फूड एंड आर हिटेरोट्रॉफिक, और ये अपना फूड तैयार नहीं कर सकते, इस वजह से हम इसको हिटेरोट्रॉफिक कह सकते हैं। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, हेटीरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, इसका हमने एक लेक्चर में डिफरेंटली सेपरेटली डिफाइन किया है, जाके वो देख लें अगर आपको ये नहीं पता। नंबर टू, एनिमल्स इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट इट विदिन योर बॉडीज। एनिमल फूड लेते हैं और फिर अपनी बॉडीज़ में इसकी डाइजेशन करते हैं। एनिमल्स आर क्लासिफाइड एंड टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स और एब्सेंस ऑफ अवर वर्टीब्रल कॉलम। एनिमल्स को हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स या फिर वर्टीब्रल कॉलम के बेस पे। वर्टीब्रल कॉलम फॉर एग्जांपल अर्थवर्म है, स्टार फिश, इंसेक्ट्स है एक्सेट्रा, और वर्टीब्रेट्स यानी फिश, एम्फेबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये हमारे पास इसका एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल जो हमारे पास ए हैं वो फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, बैट, कैट, दिस ऑल आर किंगडम एनिमेलिया। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, सो लाइक, शेयर।